हेलो दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम लोग चैप्टर 4 सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, उनका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कंप्यूटर बिजनेस एप्लीकेशन सभी के लिए यूज एक्यूरेसी। प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है क्या? रिजल्ट, डाटा, प्रोग्राम, तो डाटा स्टोर करता है प्राइमरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3, हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी हैंड हेल्ड कंप्यूटर को दूसरे नाम से हम लोग पाम टॉप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, SMPS कन्वर्ट्स टू, तो SMPS जो है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5, CPU इज एन एब्रीविएशन ऑफ, CPU का पूरा फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, समथिंग विच हैज इजिली अंडरस्टूड instructions इज सेड टू बी, जो आसानी से समझा जाए उसको यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्पोरली होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज मेमोरी, मेमोरी में ही डाटा रहते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर इज यूज इन, पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द कंप्यूटेशंस आर रियली परफॉर्म्ड बाय, सारा कंप्यूटेशन तो सीपीयू ही करता है, तो ई आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ऑल द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम इन ए सिंगल, तो कंपाइलर जो है वो बैच में प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर, तो सर्वर वर्ड प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है, बाकी डाटाबेस शेयरिंग, प्रोसेसिंग, वेबसाइट स्टोरेज सारा करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी, तो टैबलेट पीसी जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम, तो उसको मल्टी टास्किंग बोलते हैं, एक ही बार में बहुत सारे प्रोग्राम को। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वर आर कंप्यूटर, तो नेटवर्क होंगे इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स दैट रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस, तो अदर डिवाइसेस कार वार में जैसे, तो उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, आंसर सी होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एलसीडी स्टैंड्स फॉर, एलसीडी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 18, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, तो यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होते हैं, आंसर ए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डैश आर कंप्यूटर्स दैट आर पार्ट ऑफ ए मशीन और डिवाइस, तो जो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं वो मशीन और डिवाइस के पार्ट होते हैं। न्यूमेरिक पैड इज इन द, न्यूमेरिक पैड किस में होता है? स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, तो कीबोर्ड होंगे आंसर। 21, वेयर इज द पेन ड्राइव पुट इन ए कंप्यूटर, पेन ड्राइव को किस में लगाते हैं? डीवीडी ड्राइव में नहीं लगाते, हार्ड डिस्क, तो यूएसबी पोर्ट आंसर होंगे। 22, वेयर इज द डीवीडी डिस्क पुट इन ए कंप्यूटर, तो डीवीडी ड्राइव में डीवीडी को लगाते हैं, ए आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, तो मेन बोर्ड मदरबोर्ड होता है जो सीपीयू बॉक्स के अंदर में रहते हैं, जिसपे कि सारे कंपोनेंट इंस्टॉल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड ऑफ मिलियंस, तो सुपर कंप्यूटर। डैश इज स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर दैट इज स्मॉल एनफ दैट कैन सीट ऑन योर लैप, तो लैपटॉप को हम कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। डैश इज द फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, तो हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल डिवाइस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, तो कंपाइलिंग के टाइम में ही सॉफ्टवेयर कोड में एरर पता चलता है। 28, टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज डायरेक्शनल एरो यू प्रेस नमलॉक, नमलॉक जब दबाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर में डाटा का जो ऑपरेशन होता है, काम होता है, मैनिपुलेशन होता है, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। पिक्सल इज ए द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 31, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर ऑल ऑफ द अबव, अरिथमेटिक भी करता है, लॉजिक भी करता है, स्टोर भी करता है, इसलिए सभी आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 32, कर्सर इज अ थीन ब्लिंकिंग लाइन, कर्सर किसको बोलते हैं? तो जो एक थीन पतला सा लाइन ब्लिंक करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो सिस्टम बस से सारे कंपोनेंट आपस में कंप्यूटर में कम्युनिकेट करते हैं। आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर इन डॉट पर इंच में मेजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, डेडिकेटेड कंप्यूटर मींस, डेडिकेटेड कंप्यूटर उसको बोलते हैं जो एक काम के लिए असाइन होता है, तो असाइन टू वन एंड ओनली वन टास्क, सी आंसर। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड एड्रेस बस से फिजिकल
क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटी इन आईबीएम पीसी 80? तो एटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 38, इन कंप्यूटर टर्म कैड इज स्टैंड फॉर? तो कैड जो होते हैं वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन को बोलते हैं, आंसर सी होंगे, जैसे ऑटो कैड। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज यूनिकोड? तो यूनिकोड जो है एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे यूनिकोड होते हैं, UTF-7, UTF-8, तो सी आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट शेयर बीन द नेटवर्क? तो माउस को हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर? तो एंटीवायरस हार्डवेयर नहीं है, माउस मोनिटर प्रिंटर सब तो हार्डवेयर है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी देखते रहिए, हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से। थैंक यू, धन्यवाद।